ना शुक्रे नमक हराम। मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में कहा था ये नमक हराम लोग हैं, ये जिसका खाते हैं उस पर भौंकते हैं, ये नमक हराम लोग हैं। और आप देखिए इवन आप अफगानिस्तान में से चले जाएं वहां पे क्या हालत वाले से। मैं एक और बात करना चाहता हूँ भाई, अगर आपको आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो उनको वैसे कह दिया करेंगे भाई हम माफी चाहते हैं, हमें मैच नहीं खेलना। मैं अपने तो दोस्तों ये छोटा सा क्लिप देखा आपने, आगे पूरा वीडियो तो नहीं है, थोड़ा सा वीडियो और है। हालांकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अफगानिस्तान के पाकिस्तान के बीच जो टेंशन रहती है वो इतनी ज़्यादा क्यों होती है और इनके फैंस इतना क्यों लड़ते हैं। यहाँ पर देखा आपने एंकर बोल रहा है कि वो नमक हराम है, दूसरा एंकर बोल रहा है कि ये लोग आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए भारत के साथ अच्छा नहीं खेलते, इस तरीके की सोच है पाकिस्तानियों की। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्या रीजन है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच जो क्रिकेट फैंस है, अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस इतना एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को गलत है। 30-40 साल इनको हमने पनाह गुजीनों को यहाँ पे पनाह दी, इनको अपने टैक्स पेयर के पैसों से पाला, इनके आगे अपने बाप पाकिस्तान के साथ जब ये खेल रहे होते हैं, मैंने ये दानिस्ता कहा है अपने बाप, क्योंकि पाकिस्तान इनका बाप है, इनको ना समझ आ जानी चाहिए अब इस बात की कि तुम लोगों के हाना भैया भूख के डर रूस ने ना फैंटी लगा लगा के तुम्हारी सेक दी थी। आई समझ रूस ने जो फैंटी लगाई थी ना, अगर पाकिस्तानी मुजाहिदीन, ये तुम्हारे मुजाहिदीन को ट्रेनिंग भी हमने दी थी, तुम्हें तो मुजाहिदीन को मुजाहिदीन बनना भी पाकिस्तानियों ने सिखाया था दोस्तों। रूस तुम्हारी वो बजा रहा था, वो खड़का रहा था, लग पता जाता आपको, और आप जो है वो आज बातें कर रहे हो यार, हद हो गई, कमाल हो गया यार, आज आप पाकिस्तान को गाली दे रहे होते हो। मैं जज्बाती इसलिए होता हूं भाई मेरे। तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, आप देख सकते हो ये पाकिस्तान का एक एंकर है, पंजाबी है। पाकिस्तान के लोग ज्यादातर अफगानिस्तान के लोगों को नमक हराम और इसी तरीके के वर्ड यूज करते हैं और खुलेआम सोशल मीडिया पर यूज करते हैं। बेसिकली इसके पीछे की वजह ये लोग ये देते हैं कि अफगानिस्तान में जो पाकिस्तानी बसे हैं उन्होंने मतलब इनको धोखा दिया है। एक्चुअली में इनको ये सोचना चाहिए कि ये लोग पाकिस्तान में बसे क्यों। आपने देखा ना, इसने बोला कि हमने रशिया से लड़ने के लिए तुमको तैयार किया, हमने अमेरिका से लड़ने के लिए तुमको तैयार किया। एक्चुअली में ये मेन रीज़न है अफगानिस्तान की बर्बादी का कारण। आप माने ना माने, सिविल वॉर अगर अफगानिस्तान में किसी ने सबसे ज़्यादा अगर सिविल वॉर को सपोर्ट किया है तो वो पाकिस्तान है। रशिया था, अमेरिका था, अरे वो लोग थे भैया, उनकी कंट्री है, वो लोग निपट लेंगे, उनको जैसे निपटना होगा, तुम क्यों वहाँ पे नौटंकी करने के लिए वहाँ पे तुमने जिहाद फैलाया। उस जिहाद की वजह से हुआ क्या, पाकिस्तान के जो जिहाद की वजह से अफगानिस्तान के शहर शहर में सिविल वॉर हुई, लोग यहाँ से वहाँ माइग्रेट होने लगे और जो पश्तो बोलने वाले लोग थे, जो पश्तून बेल्ट के थे, वो यहाँ पर पाकिस्तान में आकर बस गए। पाकिस्तान में पेशावर कराची में भी बहुत ज़्यादा आबादी है जो पश्तो बोलने वाले लोगों की है और बेसिकली वो उनकी 3-4 जनरेशन यहाँ पर हो गई, मतलब 3-4 डेकेड्स हो गए, 30-40 साल से हो गए, जनरेशन में गलत बोल गया सॉरी, तो 30-40 साल से अगर हो गए उनके यहाँ पर बच्चे पैदा हो गए तो ऑब्वियसली वो यहीं पर रहेंगे, यहाँ से तो जाएंगे नहीं। जैसा सीन पाकिस्तान ने जब बांग्लादेश में किया था 1971 में, तो वहाँ से बहुत सारे लोग भारत आ गए। अब 30-40 साल हो गए, वो तो यहीं के हो गए, यहाँ से तो जाने वाले हैं नहीं। जो बांग्लादेश से शरणार्थी आए थे लगभग 1 करोड़ लोग आए थे, तो आप समझ सकते हो ये कैसा सीन है। सिविल वॉर इनने फैलाई, आग इनने लगाई, आग वहाँ लगी तो वहाँ से जो लोग आए तो यहाँ पर आए ऑब्वियसली। अब उसकी वजह ये लोग कहते हैं कि हमने तुम्हें यहाँ पर पनाह दी, ये दी, फलाना दिया, ठिकाना दिया। लॉजिकली तुमने पनाह नहीं दी, उस देश में तुमने आग लगाई, उस देश को तुमने बर्बाद कर दिया, तो वहाँ पे जो लोग अब जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं तो जाएंगे तो वो यहाँ आ गए, तो उसके लिए तुम उनको गाली दे रहे हो। अब तुमने उस देश को उस लायक छोड़ा ही नहीं, रहने के लायक छोड़ा ही नहीं, तुम्हें तुम्हारे जो जनरल जियाउलहक को उस देश को मतलब अफगानिस्तान को अपने पार्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाना था, 5वां सूबा बनाना था, तो ले लो भाई। सूबा बनाने के चक्कर में एक तो तुमने वो बॉर्डर पूरा इनसिक्योर कर दिया और ये बोल रहा है अफगानिस्तान तुम्हारा बाप है। एक्चुअल में आप अगर देखें ओवरऑल हिंदुस्तान को देखें तो अगर सबसे ज़्यादा भारत पर अटैक हुए हैं तो अफगानिस्तान वाली बॉर्डर से हुए, मतलब जब हिंदुस्तान का नॉर्दर्न पार्ट हुआ करता था पाकिस्तान, उसी पार्ट से हमला होते थे ऑब्वियसली। और यहाँ पे तो हिमालय है पूरा, इस तरफ से तो कोई आ ही नहीं सकता है, तो जितने भी अटैक हुए वहीं पर हुए, बस जो पुर्तगाली है वो नीचे से आए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे अंग्रेज हैं तो वो बंगाल तरफ से आए, लेकिन जो एक्चुअल अटैक हुआ करते थे जो आप पढ़ते हो हिस्ट्री में तो वहीं से हुए हैं। तो उस अटैक को सबसे ज़्यादा झेला है पाकिस्तान ने,
तो पाकिस्तान को मुझे लग रहा है वो हिस्ट्री रिपीट होती रहेगी, अभी भी बॉर्डर स्ट्रेट नहीं है और वहाँ पर अटैक होते रहेंगे पाकिस्तान के साथ, यही सीन होता रहेगा। अब ये बेचारे जो अफगानी यहाँ पर आकर बसे हैं, अब ये बोलते हैं कि मैंने उनसे, हम लोगों ने उनसे शादियाँ की, उनसे रिश्ते जोड़े, ये वो फलाना ठिकाना, तो भैया तुम्हारा फिर मुस्लिम उम्मा कहाँ गया? अब तुम इस बात को लेकर तो तुम बोलते हो कि मुस्लिम उम्मा सारे मुसलमान एक हैं और अफगानियों को तुम इस तरीके से गाली दे रहे हो, नमक हराम, ये फलाना ठिकाना, आप समझ सकते हो क्या क्या ये लोग गाली देते हैं। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो मतलब मैच होता है और उसके बीच में जो जो उनके क्रिकेट फैंस हैं लड़ाई करते हैं, उसके पीछे की मुझे लॉजिकली बजाय तो यही लगती है कि बहुत हिट करते हैं अफगानी, बड़े नंबर में पाकिस्तानियों को हिट करते हैं। इवन तालिबान भी ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानता है, ड्यूरेंट लाइन को वो कहते हैं कि ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई लाइन है, इसे हम क्यों माने? पाकिस्तान का जो पेशावर का इलाका है, पेशावर को तो विंटर कैपिटल क्लेम करते हैं अफगानिस्तान के ज़्यादातर लोग, इवन तालिबान। आप समझ सकते हो यार, अब इस देश के बीच जो क्लासेस है इस में अगर अफगानिस्तान के लोग इतना इमोशनल होते हैं तो इसके पीछे की वजह ये है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कॉमेंट।